अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। इस रमज़ान के पाक महीने में हम सब ने, आप सब ने जो इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, जो तहज्जुद और जो दुआएं करे हैं, इन तमाम दुआओं को कबूल होने की मैं भी दुआ करता हूं और तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे देश में अमन और सुकून रहे, हम सब ने ये दुआ की है और हम सभी उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी अमन और सुकून कायम रहेगा। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आने वाले दिनों में, अभी ईद के दो दिन के बाद अंबेडकर जयंती आ रही है, तमाम हमारे दलित भाइयों को और हमारे तमाम भाइयों को मैं हमारी तरफ से अंबेडकर जयंती की परखलूस मुबारकबाद देता हूं। और इसी के साथ ही साथ इस महीने में रामनवमी भी आ रही है, तमाम हमारे हिंदू भाइयों को मैं मेरे दिल की अमीर गहराइयों से रामनवमी की मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे भारत देश का यही एकता एकजहती है कि हम सब अपने अपने कौम के अपने अपने त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, इसी तरीके से अमन और सुकून बरकरार रहे, मैं इसकी दुआ करता हूँ। फिर एक बार तमाम आलम इस्लाम की तरफ से हमारे तमाम कम्युनिटी के भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, हमारी और हमारी लास्ट फैमिली की तरफ से आपको, हर आपकी फैमिली को ईद मुबारक।